तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी का सातवां पद चौंतीस और तेरहवां पद चौंसठ है। प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि सातवां पद चौंतीस है। सातवां पद टी सेवन इक्वल टू ये हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का एनवा पद ए टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो टी सेवन इक्वल टू मिल जाएगा ए प्लस सिक्स डी और ये है 34 के इक्वल। दूसरा तेरहवां पद तो टी थर्टीन इक्वल टू ए प्लस 12 डी इक्वल टू 64। ये समीकरण दो। समीकरण दो में यदि एक को घटा दें तो ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा। 12 डी माइनस 6 डी मिलेगा 6 डी इक्वल टू 64 माइनस 34 मिल जाएगा 30। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा डी इक्वल टू 30/6। तो यहाँ से मिल रहा है डी इक्वल टू 5। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए प्रथम पद और सार्वंतर। तो डी सार्वंतर का मान हमें मिल चुका है। समीकरण एक या समीकरण दो में हम मान रख देते हैं। समीकरण एक से ए धन 6 और 5 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 30 इक्वल टू है ये 34। हल करने पर मिल जाएगा ए इक्वल टू 4 या ए बराबर 4। समांतर श्रेणी का सार्वंतर और प्रथम पद मिल चुका है। प्रथम तीन पद हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी वन या प्रथम पद ये इक्वल टू है 4। टी टू इक्वल टू ए प्लस डी तो 5 और 4 को जोड़ेंगे मिल जाएगा 9। और टी थ्री इक्वल टू ए प्लस 2 डी तो ये मिल जाएगा 14। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अभीष्ट समांतर श्रेणी 4, 9, 14 है। दूसरा प्रश्न दिया गया है एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का चौगुना है। छठवां पद 17 है। श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का तीसरा पद और पहले पद के बीच में संबंध दिया गया है और छठवां पद दिया गया है। समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करना है। तो हल करने के लिए हमें मानना होगा कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि तीसरा पद पहले पद का चौगुना है। तो तीसरा पद ये पहला पद को टी वन लिख सकते हैं पहले पद का चौगुना है अर्थात टी थ्री इक्वल टू 4 times T1 या फिर टी थ्री इक्वल टू 4 times A। प्रथम पद हमने ए माना हुआ है तो ये टी थ्री तीसरा पद जो है ये पहले पद का चौगुना है। और दिया गया छठवा पद तो टी सिक्स इक्वल टू 17। हल करेंगे तो समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो छठवा पद मिलेगा ए प्लस 5D इक्वल टू 17। ये समीकरण दो। समीकरण एक को और आगे हल करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि ए प्लस 2D इक्वल टू 4A।
इसे हम समीकरण एक का नाम देते हैं, इसे हटा देते हैं। तो a प्लस टू डी इक्वल टू फोर ए और a प्लस फाइव डी इक्वल टू सेवनटीन। तो यहां से हम a का मान निकाल सकते हैं 17 माइनस फाइव डी। ये मान निकाल करके हम मान को रख देंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में a का मान रख देंगे तो पूरा पद डी में परिवर्तित हो जाएगा। तो समीकरण एक से हम ये देखते हैं कि ए का मान हमने रख दिया 17 माइनस फाइव डी प्लस टू डी और फोर टाइम्स ए, और ए का मान है 17 माइनस फाइव डी। या फिर इस समीकरण को अगर आप आगे हल करें तो देखिए ये ए इधर पक्षांतर करेंगे तो मिल जाएगा 2d इक्वल टू फोर ए माइनस ए दैट इज 3a, और आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा d इक्वल टू 3a अपॉन 2। यहाँ से आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं, तो d इक्वल टू 3a अपॉन 2 इसमें रखना ज़्यादा सरल होगा। a का मान है 17 माइनस 5d अपॉन 2, तिरक गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 2d इक्वल टू 51 माइनस 15d। ये आगे आकर के ऐड हो जाएगा, 17d इक्वल टू 51, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा d इक्वल टू 51 अपॉन 17, d का मान मिल गया 3। अब a का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण a का मान ज्ञात करने के लिए इस समीकरण में हम मान रख देते हैं d का, तो मिल जाएगा a इक्वल टू 17 माइनस 5 इंटू 3। तो a इक्वल टू 17 माइनस 15, तो यहाँ से मिल गया a इक्वल टू 2। a का मान मिल चुका है आपको 2, d का मान मिल चुका है 3। समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो समांतर श्रेणी क्या मिलेगा a, a का मतलब है 2। दूसरा पद a प्लस डी, तो 2 प्लस 3 5, 5 में 3 ऐड करेंगे मिल जाएगा 8, 8 में फिर 3 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 11, 11 में 3 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 14। तो इस प्रकार जो समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करनी थी ये यही समांतर श्रेणी है, 2, 5, 8, 11, 14 इत्यादि। तो अगले प्रश्न में दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 60, प्रथम पद 8, अंतिम पद 185 है, श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। तो पहले जो चीज़ें दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है पदों की संख्या 60, अर्थात n बराबर 60। प्रथम पद 8 है तो a बराबर 8, अंतिम पद 185 है तो l इक्वल टू 185। आपने ये पढ़ा हुआ है कि अंतिम पद a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका हम उपयोग करेंगे। a का मान है 8, n का मान है 60, d का मान ज्ञात करना है और l का मान है 185। आगे हल करते हैं, 8 धन 59d बराबर 185। आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 59d इक्वल टू 185, इसमें आप 8 घटा दीजिए मिल जाएगा 177। तो यहाँ से मिल जाएगा d बराबर 177 बटे 59, हल करेंगे तो मिल जाएगा 3। तो इस तरीके से d का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। अब पूछा गया है 31वां पद, तो 31वां पद ये हो जाएगा a प्लस 30d। आपने ये पढ़ा हुआ है कि nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है, इसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा t31 इक्वल टू a, और a का मान है 8 और d का मान है 3, तो मिल जाएगा 8 धन 90 बराबर 98। तो इस तरीके से मिल रहा है t31 इक्वल टू 98, और यही हमें ज्ञात करना था। तो चौथे प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद अपने पहले पद का 3 गुना हो तथा सातवां पद तीसरे पद से 1 अधिक हो तो श्रेणी का प्रथम पद व सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए हमें यह मानना होगा कि समांतर श्रेणी का
प्रथम पद ए, सार्वंतर डी है और फिर प्रश्न में यह कहा गया है कि चौथा पद पहले पद का तीन गुना हो, तो चौथा पद पहले पद का तीन गुना हो, तो यहां से आप लिख सकते हैं T4 मतलब चौथा पद, तो ये मिल जाएगा a प्लस 3d। समांतर श्रेणी का nवां पद tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, और फिर प्रथम पद a, तो इसे जब आप आगे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3d इक्वल टू 2a या फिर d इक्वल टू 2/3a। इसका उपयोग हम आगे करेंगे। चलिए आगे यह कहा गया है कि सातवां पद, तो सातवां पद को हम लिखेंगे T7, तीसरे पद से एक अधिक हो, तो ये तीसरा पद और इसमें हमने एक जोड़ दिया, तो आगे इस तरीके से हम सातवां पद को लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल टू तीसरा पद a प्लस 2d प्लस 1। आगे हल करेंगे तो ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, 2d को लेफ्ट में ले आते हैं तो 6d माइनस 2d 4d इक्वल टू 1, तो यहां से मिल जाएगा d इक्वल टू 1/4। इस मान को हम यहां पर रख देते हैं, मान लेते हैं कि यह समीकरण एक है, तो समीकरण एक से d का मान है 1/4 और ये 2/3 a, तो यहां से आपको मिल जाएगा a बराबर 3/8। समांतर श्रेणी का हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना था, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि अभीष्ट हल प्रथम पद ये 3/8 तथा सार्वंतर डी 1/4 है। यदि किसी समांतर श्रेणी का नौवां पद शून्य हो तो उसके 29वें तथा 19वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए पुनः हमें यह लिखना होगा कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है, तो प्रश्न में यह कहा गया कि नौवां पद जो है ये शून्य है, इसका मतलब ये कि a प्लस 8d इक्वल टू 0 या फिर a इक्वल टू माइनस 8d, ये समीकरण एक। अब पूछा गया है 29वें व 19वें पद का अनुपात, तो 29वां पद ये हमें मिल जाएगा a प्लस 28d समीकरण एक, तो 19वां पद मिलेगा a प्लस 18d ये समीकरण दो। पूछा गया है 29वां पद और 19वें पद का अनुपात, तो a प्लस 28d अपॉन a प्लस 18d, a का मान है माइनस 8d और फिर ये प्लस 28d और फिर माइनस 8d प्लस 18d। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 20d अपॉन 10d इक्वल टू 2:1, और यही हमें अनुपात ज्ञात करना था। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि अभीष्ट अनुपात हमें जो पूछा गया था T29 अनुपात T19 इक्वल टू 2:1 है। अगला छठवां प्रश्न है जहां पर कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर श्रेणी के आरंभ और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है, अर्थात यदि हम प्रारंभ से कोई पद लें, मान लेते हैं कि वह पीवां पद है, और अंत से पीवां पद लें, इन दोनों का योगफल हमें अचर राशि है यह सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो पुनः हमें मानना होगा कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी तथा कुल पदों की संख्या एन है, तो आगे हम यह लिख सकते हैं कि प्रारंभ से पीवां पद
एनवा पद के स्थान पर एन के स्थान पर हमें पी लिखना है, तो यह हमें मिलेगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, समीकरण एक। और फिर हम निकालते हैं अंत से पीवा पद, अंत से पीवा पद को हम लिख सकते हैं कि प्रारंभ से एन माइनस पी प्लस वनवा पद, और आगे जब इसे सरल करेंगे तो मिलेगा ए प्लस एन के स्थान पर यह पूरा एन माइनस पी प्लस वन माइनस वनवा पद माइनस वन इंटू डी। सॉल्व करेंगे तो ये प्लस वन और ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा ए प्लस एन माइनस पी इंटू डी, ये समीकरण दो। समीकरण एक व दो को जोड़ देंगे तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ऊपर युक्त पदों का योग बराबर ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी प्लस ये ए प्लस एन माइनस पी इंटू डी। ए और ए को ऐड करेंगे मिल जाएगा 2a, दोनों पदों पर d कॉमन है, d कॉमन ले सकते हैं, p माइनस वन ये वाला पद और फिर ये प्लस n माइनस पी, प्लस p और माइनस p कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से हमें मिल रहा है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। चूँकि a, n और d अचर पद हैं अतः जो व्यंजक हमें मिल रहा है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी अचर राशि है, और यही हमें सिद्ध करना था कि समांतर श्रेणी के प्रारंभ और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। तो अगला प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1 बाई क्यू तथा क्यूवा पद 1 बाई पी है, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का पी क्यूवा पद 1 होगा। तो आपको ये पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी के पद को ज्ञात करने के लिए या समांतर श्रेणी लिखने के लिए हमें प्रथम पद और सार्वांतर का मान ज्ञात होना चाहिए। तो इस प्रश्न में भी हमें पी क्यूवा पद निकालना है, तो इसके लिए भी हम पहले प्रथम पद और सार्वांतर को ज्ञात करेंगे। लिखेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वांतर डी है। अब इसके बाद प्रश्न में जो दिया गया है उसका हम उपयोग करेंगे। पीवा पद क्यू है तो पीवा पद को हम टीपी लिखेंगे, ये ए प्लस एन माइनस वन और एन के स्थान पर है यहां पर पी, क्योंकि हम पीवा पद निकाल रहे हैं, तो पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन बाई क्यू, ये समीकरण एक। और फिर कहा गया कि क्यूवा पद तो ये टी क्यू, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये वन बाई पी है, ये समीकरण दो। इन दो समीकरणों का उपयोग करके हमें सार्वांतर डी और प्रथम पद ए का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम करते हैं कि समीकरण एक में समीकरण दो को घटा देते हैं, इसमें इसको घटा देते हैं, तो ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों में d जो है वो कॉमन है, तो आगे हम लिख सकते हैं p माइनस वन और ये माइनस क्यू और ये प्लस वन इक्वल टू वन बाई क्यू माइनस वन बाई पी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको LCM या लघुत्तम समापवर्त मिलेगा पी क्यू और यहाँ पर p माइनस क्यू, ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ से मिल रहा है d इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, तो ये पी माइनस क्यू और यहाँ पर पी माइनस क्यू दोनों कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ से आपको मिल रहा है डी इक्वल टू वन बाई पी क्यू, और ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आगे ए का मान ज्ञात करना है, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण एक में हम डी का मान रख देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए प्लस पी माइनस वन, पी माइनस वन इंटू डी, तो ये वन बाई पी क्यू इक्वल टू वन बाई क्यू, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए इक्वल टू वन बाई क्यू माइनस पी माइनस वन बाई पी क्यू। इस पद को हम पक्षांतर कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो LCM है या लघुत्तम समापवर्त है ये पी क्यू आएगा और
इस पी क्यू को क्यू से भाग देंगे तो आएगा पी, और पी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पी, फिर ये माइनस पी, और ये माइनस और माइनस प्लस, और फिर ये वन, पी और पी कैंसिल हो जाएगा, वन बाई पी क्यू आएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू वन बाई पी क्यू। अब हमें ज्ञात करना है पी क्यूवा पद। तो आपको ये पता है कि एनवा पद जो होता है ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो इसका उपयोग करके हम पी क्यूवा पद निकालेंगे। तो एन के स्थान पर हम रखेंगे पी क्यू, ए का मान हमें प्राप्त हुआ है वन बाई पी क्यू, और फिर एन, एन के स्थान पर हम लिख रहे हैं पी क्यू, और फिर ये माइनस वन, और डी का मान वन बाई पी क्यू, तो ये वन बाई पी क्यू। सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम है पी क्यू, ये वन प्लस पी क्यू माइनस वन, प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, फिर आएगा पी क्यू अपॉन पी क्यू, और अल्टीमेटली यहाँ से आपको मिल रहा है पी क्यूवा पद बराबर एक, और यही हमें सिद्ध करना था। समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। माना कि समांतर श्रेणी जो दी गई है उसका प्रथम पद ए, सार्वांतर डी और अंतिम पद एल है, तथा साथ ही कुल पदों की संख्या एन है, और हमें एन पदों का योगफल ज्ञात करना है, और माना कि यह एस एन है। तो हम लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी, और इस तरीके से और आगे पद होंगे, और अंत के यदि तीन पद हम लिखें तो हम लिखेंगे एल माइनस टू डी प्लस एल माइनस डी प्लस एल। चूंकि हम जानते हैं कि अंतिम पद एल होता है, और समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वही सार्वांतर या डी होता है, तो इस तरीके से अंत का पद एल, उसके जस्ट पहले का पद एल माइनस डी, और उसके और पहले का जो पद होगा वो एल माइनस टू डी होगा। तो माना कि ये समीकरण एक है। अब इन पदों को हम विपरीत क्रम में लिखें तो लिखेंगे एस एन इक्वल टू एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस टू डी, और इस तरीके से और भी पद आएंगे, और अंत के तीन पद को हम लिखेंगे ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए। माना ये समीकरण दो है। अब यदि समीकरण एक और दो को जोड़ दिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, और राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखेंगे 2sn, sn प्लस sn, ये 2sn होगा, इक्वल टू a प्लस l प्लस a प्लस l प्लस a प्लस l। इस तरीके से आगे भी हमें पद मिलेंगे, और अंत के तीन पद हमें मिलेगा a प्लस l प्लस a प्लस l प्लस a प्लस l। तो यदि ध्यान से देखें तो a जो है इसको n बार जोड़ा गया है, और l को भी n बार जोड़ा गया है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इक्वल टू n टाइम्स a प्लस l, क्योंकि कुल पदों की संख्या स्मॉल n है। अब ये जो दो है लेफ्ट साइड में, इसे पक्षांतर कर दे तो हमें मिलेगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो यही समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र है। अब हम ये जानते हैं कि समांतर श्रेणी में यदि n पद हो तो हम लिखते हैं l इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि इस मान को हम समीकरण तीन में रख दें तो हमें मिलेगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और a और a को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 2a। तो इस तरीके से हमें मिलेगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, इस फार्मूले का उपयोग तब करना है जब हमें पदों की संख्या प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया हो। इसी तरीके से एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस सूत्र का उपयोग हमें तब करना है जब हमें पदों की संख्या प्रथम पद सार्वांतर यह दिया गया हो। तो आगे हम देखेंगे कि इन सूत्रों का उपयोग करके कैसे प्रश्नों को हल करते हैं।